सॉरी बोलो और आई लव यू बोलो। चाहे हम भूत लग रहे हो, चाहे हम कितने गंदे लग रहे हो, लेकिन फिर भी माँ बोले क्योंकि तू तो बहुत अच्छी लग रही है, तू तो मेरी तेरे जैसा कोई है ही नहीं। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है डिनो जेम्स के माँ डिनो जेम्स। तो ये गाना बहुत पुराना है यार, 4 साल पहले आया था, बट कोई बात नहीं। इसके सजेशन मुझे नहीं आ रहे थे, क्यों भाई आप लोगों ने सुना नहीं है? वैसे सब लोग मुझे कमेंट पे बताते हैं कि ऐसा करो, आप इस पे रिएक्ट करो, इस पे रिएक्ट करो, बट इसके सजेशन मुझे नहीं आए, क्यों? कोई बात नहीं, नहीं आए तो मे भी शायद नहीं सुना होगा इसलिए नहीं आए। कोई बात नहीं, अब सुनेंगे हम इस गाने को। माँ है सो माँ से रिलेट करेगा, लेट्स सी। बहुत वैसे डिनो जेम्स के गाने यू नो हमेशा रिलेट करते हैं, और जो भी वो अच्छी तरीके से एकदम से स्टोरी टेलिंग, मतलब अच्छे तरीके से स्टोरी टेलिंग करते हैं। और लेट्स सी इस गाने में क्या सुनने को मिलने वाला है माँ से रिलेटेड। सो सुनते हैं इस गाने को बिना किसी देरी के। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में बताइए मुझे और कुछ नए नए गाने बताइए। यंगस्टर्स के भी सब बता रहे हैं, वेल मुझे मैंने सोच लिया है उनके गाने में रिएक्ट करूँगी। और यंगस्टर्स कृष्णा के बता रहे हैं लोग, किंग के तो मैं करती हूँ, एमवी के भी करती हूँ। सो और बताइए और नए नए। सो अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो साइड में आईडी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाके फॉलो करो। और अगर आप चाहते हो मेरे ब्लॉग चैनल को चेकआउट करना तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके वो भी चेकआउट कर लेना अगर मन हो तो। सो अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्टार्ट। आमा हेलो, आमा, इंद्रवीर अरे बात नहीं हो पाई थी ना, पहले मैं थोड़ा काम पे था तो अभी इसलिए कॉल किया। यान और रंगान वाला गाना है ना जो आप सुनाते थे पहले, उसको गाओ पूरा। पता नहीं कहाँ से मैं शुरू करूं। आई रियली डोंट नो हाउ टू से। जैन में शुरू किया था, नाउ इट्स मे। आई विश मैं वो टाइम ला पाऊं जब पहली बार लिखा था मैंने अपनी माँ पे ऐसे। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ माँ। हैप्पी मदर्स डे। ऐसा नहीं है कि मैं तेरे बारे में सोचता नहीं हूँ और नहीं आती है मुझे तेरी याद, पर क्या करूँ, डबल हो गया काम काज। आई नो आई ऑलवेज टुक यू फॉर ग्रांटेड, और बेअसर हो गए मुझ पर तेरे डांट, पर यू हैव नो क्लू व्हाट आई फील फॉर यू। ये बताने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा बस मैं आज। आई मिस यू माँ, और हर तकलीफ में लगता है काश तू यहाँ पर होती, जैसे बचपन में मनाती थी। आई विश तू वापस ले लेती गोदी, कैसे ना स्कूल जाने के लिए मेरे बाल बनाती थी और दीदी की चोटी, और हमें फोर्स करती थी वही बोरिंग वेजिटेबल खाना, करेला और रोटी। अभी तक मैं और दीदी लड़ते हैं कि किससे ज्यादा करती है मम्मी प्यार। अपने लुक्स के बारे में तुझसे कुछ भी पूछना है बेकार, क्योंकि मैं कितना भी बुरा लगूं तू बस ये कहती है दैट माय सन इज अ सुपरस्टार। तो किचन की एक जीनी है और बस पूरी करती रही हमारी विश, हमेशा ठंडा खाती रही और हम सबका बचा अनफिनिश्ड। बिना किए चू इन फीवर एंड फ्लू बस बैठा के खिलाती रही तू। बाद में कभी पूछा नहीं माँ हमने तुझसे व्हाट्स योर फेवरेट डिश। तूने हमेशा मुझे अपने से ज्यादा प्यार किया है और मैंने हमेशा किया है तुझे तंग। कभी लगता यू डोंट लव मी मोर देन योर बर्नी एंड बर्तन। गजब के किचन में तेरे सारे स्टंट और जगह जगह पे योर हैंड्स आर बर्न। तुझमें सुपरमैन और स्पाइडरमैन से ज्यादा शक्ति है माँ, यू आर द अल्टीमेट सुपर वूमन। मैं अपने दोस्त के बारे में सोचता हूँ, ही यूज टू प्रे डे एंड नाइट, और मैंने नोटिस किया ही यूज टू क्राई बिछाते बिछाते नमाज के लिए चटाई। फिर एक दिन पूछा मैंने उससे, क्या जरूरत है भाई इतना तकलीफ लेने की? वो बोला, भाई मैं एक्चुअली खुद के लिए दुआ मांगता हूँ, क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है टू प्रे फॉर मी। देन आई हग्ड हिम और फूट फूट के रोया हम। आई फेल्ट लाइट आफ्टर दैट। ऐसा लगा सारा टेंशन, उलझन, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ हो गया खत्म। लगा सपने पूरे ना भी हुए ना तो मुझे जरा सा भी नहीं होगा गम। लगा आई गॉट एवरीथिंग, आई गॉट माय मॉम। पीछे पड़ी रहती है कि करना ये दाढ़ी क्लीन, और सारे सिलती है मेरे माने मेरे एक्सपेंसिव फटे हुए जीन्स। कितना बोला नहीं खाना है, आई एम ट्राइंग टू बी लीन, पर रोटी आना बंद नहीं होती है,
कहती है घी में होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन। सबसे फेवरेट मैच होता है देखना मेरी माँ वर्सेस टच स्क्रीन। अगर फुटबॉल भी चल रहा है तो एक ही सवाल होता है कि आउट तो नहीं हुआ ना सचिन। तेरे बिना अधूरे हैं माँ मेरे एम्बिशन, मेरे सब ड्रीम। अकेला लड़ने की ताकत नहीं है मुझ में। एवरी सेकेंड आई नीड योर ब्लेसिंग। जो तूने किया वो मेरी समझ से बाहर का है, मुझे एक्चुअली में नहीं होता यकीन। When was the last time you bought something for yourself? कब की थी माँ लास्ट टाइम शॉपिंग? कैसे ना माँ, मैं तो जो कुत्ते के माँ बिल्ली के माँ बोल के भाग जाया करता था, याद है माँ वो दिन? और मुझसे परेशान होकर तू क्या करती थी मरने की एक्टिंग। ये खून का जरूर रिश्ता है पर उससे थोड़ा ज्यादा थिक सा है। बड़े से बड़े डर माँ तेरे सामने कहाँ टिकता है। इसीलिए तो एक बछड़े की माँ अपने बच्चे के लिए शेर से लड़ लेती है, एक जानवर का बच्चा भी डराने पर अपने माँ के पीछे जाकर छिपता है। I don't know how you do all these things. ये सब लगता मुझे एक मैजिक ट्रिक सा है। ये रिलेशन सैक्रिफाइस पेन स्वेट और आंसुओं से बने ब्रिक्स का है। You are the prettiest माँ। तेरे सामने कहाँ करीना, कहाँ कटरीना, कहाँ दीपिका है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलता है भाई तू एकदम तेरे माँ जैसा दिखता है। आई नो तू कई बार सोई है हमें खिलाकर भूखे पेट और पैसे बचा बचा कर हमें कपड़े दिलाए और बर्थडेज में केक्स। इतनी आदत है कि रेस्टोरेंट में भी लेने लगती है खाने के बाद हमारे प्लेट। तेरे सामने सारे रिश्ते फीके लगते हैं माँ, सबके सब लगते हैं फेक। जो बन पड़ा तूने वो सब किया, न जाने कितने जलाए मेरे लिए दिए और मोमबत्तियां। बिना लिए रातों को झपकिया तूने, पट्टियां लगाकर बुखार में सुलाया मुझे देकर झप्पियां। यू गेव मी वैल्यूज टैलेंट स्ट्रेंथ। ये जादू माँ तूने कब किया? शायद पॉसिबल नहीं था ऊपर वाले का हर जगह होना, इसीलिए उसने तुझे दे दी अपनी सारी शक्तियां। आई एम सॉरी माँ कि भूल जाता हूँ तुझे वापस करना फोन। आई एम सॉरी कभी कभी शायद रूड हो जाता है मेरे बात करने का टोन। I'm sorry कि इस बार वापस नहीं आ पाया घर में होली पे और झूठ बोला कि मुझे छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से। I'm sorry माँ कि मैं वहाँ नहीं हूँ when you need me। I'm sorry कि शायद अकेले चढ़नी पड़ती तुझे घर की लंबी सीढ़ी। I'm sorry कि खुद लगाना पड़ता है तुझे अपने पैरों पे तेल। I'm sorry कि मैं वापस भूल गया विश करना तुझे तेरे जन्मदिन पे। I'm sorry कि तुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते कभी मेरे ड्रीम और एम्बिशन। I'm sorry कि शायद नहीं बन पा रहा हूँ मैं तेरा वो परफेक्ट सन। क्या तू दमे की दवाई टाइम पर खाती है माँ? घुटनों पर दर्द था ना, क्या ढंग से चल पाती है माँ? मैं भूलने की बहुत कोशिश करता हूँ पर पता नहीं क्यों रुक जाता हूँ मैं, कि मुझे बहुत ज़्यादा तेरी याद आती है माँ। उस दिन से मैं डरता हूँ जब नहीं लगेगा तेरा फ़ोन और ऑटोमेटेड आवाज़ बोलेगी द पर्सन यू आर ट्राइंग इज गॉन। ये डर मुझे हमेशा सताता है माँ। आई एम स्कैर्ड ऑफ बींग अलोन। यू आर द रीज़न आई एम अलाइव। माँ तेरे बिना मेरा है कौन? मैं जानता हूँ ये सब पहले मैंने बोला नहीं है एंड इट्स लिटिल ओवरवेलमिंग फॉर यू, लेकिन बहुत दिनों से मुझे ये बोलना था, बहुत समय से था ये सब ड्यू, कि तू हंसती रहे, हेल्दी रहे, खुश रहे। ऊपर वाले से बस मैं यही करता हूँ प्रे। हैप्पी मदर्स डे लवली, लव यू। ओके सो डिनो जेम्स ने माँ के ऊपर सब कुछ लिख दिया, एक स्टोरी टाइप बताई अपने बारे में भी और एक अपने दोस्त के बारे में भी, और बहुत अच्छी और बहुत रियल चीज़ें थी जो उन्होंने बोली। हम कभी कभार बहुत से ऐसे फैमिलीज में होता है, स्पेशली गांव घरों में और शहरों में भी होता है कि हम पढ़ाई करने या जॉब करने बाहर चले जाते हैं, काम से काम की वजह से इतने बिजी हो जाते हैं और चले जाते हैं और फिर माँ थोड़ा दूर रहती हैं और फिर हम उनको हम उनसे बात भी नहीं कर पाते हैं, कभी बिजी हो जाते हैं। फिर जब जो तुम्हारा इतना केयर करता है अपनी लाइफ में, मतलब जो तुम्हारे हमेशा सुख दुख में तुम्हारे साथ है, तुम जब बीमार होते हो तुम्हारे साथ होती है, तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हारे लिए प्रे करती है, फिर जब वो इंसान नहीं होता है लाइफ में तो तब तब उसकी अहमियत पता चलती है और वो इंसान कितना ज़रूरी है हमारे लिए और उसकी याद आ जाती है। वो जब तुम्हें कॉल करती थी तुम बिज़ी होते थे, तुम्हारे पास कॉल बैक करने का टाइम नहीं होता था, और जब वो नहीं होगी, जब तुम्हारे पास उसका कॉल नहीं आएगा और ऑटोमेटिक आवाज़ जो फ़ोन पे आती है कि द पर्सन यू ट्राइंग, जो भी उन्होंने बोला वो चीज़ फिर वो सुनने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा मदर्स डे पे आया था ये गाना, तो मुझे पहले ही सुन लेना चाहिए था मदर्स डे पे ही, बट कोई नहीं मैंने मिस कर दिया और मैंने सोचा कि अभी हम सुनते हैं, क्योंकि मैंने नहीं डिनो जेम्स के मैंने बहुत जो उनके पहले पहले गाने आए थे वो सुने हैं,
पहले पहले क्या, और जो उनमें से कुछ कुछ सुने हैं मैंने, पूरे गाने इतने अच्छे से सुने नहीं थे, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये चीज़ बताई कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए, तो कितना ख्याल रखती थी, चाहे हम भूत लग रहे हो, चाहे हम कितने गंदे लग रहे हो, लेकिन फिर भी माँ बोलेगी कि तू तो बहुत अच्छी लग रही है, तू तो मेरी मतलब तेरे जैसा कोई है ही नहीं। और कितना अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि तू तो अपनी माँ पे गया है या तू तो अपने पापा पे गया है, सुन के अच्छा लगता है। सो टाइम का देखो, हर कोई लाइफ में बिजी रहता है और हम भूल जाते हैं उन सबको जो हमारे साथ हमेशा रहा है, तो चाहे जितना भी बिजी हो अपनी लाइफ में, उनके लिए टाइम निकालो और प्यार से बात करो। और कभी कभार रूड हो जाते हो, फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि बहुत गंदी तरीके से बात कर लिया, तो सॉरी बोलो और आई लव यू बोलो अपने पेरेंट्स को। तो मम्मी को तो खैर मैं बोलती रहती हूँ, बट पापा को बहुत रेयर बोलती हूँ, तो ये गाना सुनने के बाद पापा को भी बोलना पड़ेगा। वैसे तो ये सब चीज़ें खुद एहसास करने वाली है, ये नहीं कि कहीं से सुन के तुम रियलाइज़ कर रहे हो। खैर कहीं से सुन भी लो, तुम यही सुन लो, यही गाना सुन लो और अपने अपने पेरेंट्स को आई लव यू बोलो, और बोलो कि हाँ आप हमेशा मेरे साथ रहो और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर करना है रिएक्शन देखने के बाद और ये गाना सुनने के बाद। जिन्होंने नहीं सुना है प्लीज़ वो ये सब ये करना ज़रूर, आई लव यू बोलना मेरे को। सो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, मुझे बहुत ज़्यादा यू नो बहुत प्यारी वाली फीलिंग आई और बहुत चीज़ें सोचने लगी एंड बस फिर। सो या यही था मेरा रिएक्शन, बहुत अच्छे तरीके से जिनो जेम्स ने चीज़ें बताई और माँ के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया और बस आई लव्ड इट। सो या यही था मेरा रिएक्शन, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और फैलाना, और सुनो इस गाने को, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। तो और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो साइन बाइडी दिख रही होगी डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा तो जाके फॉलो करो। और मैं मिलती हूँ हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।